आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। खबर लखनऊ से है, जहां के पिकअप भवन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC की ओर से जेई की भर्ती परीक्षा न कराए जाने से नाराज अभ्यर्थियों ने पिकअप भवन स्थित कार्यालय का घेराव कर जमकर नारे लगाए। और अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग की तरफ से 2016 और 2018 में भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन अब तक कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी, जिसके चलते अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग उठाई। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के पिकअप भवन पे, जहां UPSSC के जो अभ्यर्थी हैं वो विज्ञापन जारी करने को लेकर यहां जिम्मेदारों से बात करने आए हैं, साथ ही साथ ज्ञापन देने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि आप पोस्टर के माध्यम से देख रहे होंगे कि 6 वर्ष इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 6 वर्ष बीत गए हैं, आश्वासन की तारीख चाहिए। साफ तौर से इनका कहना है कि जो इनकी परीक्षाएँ हैं उसमें 6 वर्ष बीत गए हैं, अब तक उन्हें आश्वासन के अलावा विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। वहीं यहाँ तमाम अभ्यर्थी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस मकसद को लेकर आप यहाँ एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दें। सर, मेरा नाम श्यामजी पांडे है। सर, हमें ये बताएं कि आप सब यहाँ देखा जाए तो सैकड़ों की तादाद में एकत्रित हुए हैं, क्या मुद्दों को लेकर किन जिम्मेदारों से बात करने आए? सर, मुद्दा हमारा सिर्फ यही है कि सर, जो BCOM प्लस ओ लेवल वाले हैं, हम सब असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर भर्ती की मांग कर रहे हैं और हम सब यहाँ पर 3 से 4 बार आ चुके हैं। सचिव साहब से मुलाकात हुई है, सचिव साहब ने पहले बताया कि विज्ञापन आया है, उसमें कुछ संशोधन होना है, तो फिर लेकिन हमको डेट ही डेट मिल रही है, विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है और अक्टूबर में हमारा पेट 2021 एक्सपायर हो जाएगा और 2022 में 37 लाख फॉर्म गिरे हुए हैं और सचिव जी विज्ञापन खुद कहें कि हमको 6 महीना लग जाएगा रिजल्ट निकालने में, फिर हमारा 3 साल बर्बाद हो जाएगा और हम सब ओवर एज हो जाएंगे। तो सर, हमको बस यही है, उम्मीद है कि 2021 से पेट 2021 से सहायक लेखाकार और ऑडिटर की भर्ती जारी किया जाएगा। सर, ऑलरेडी सर इनकी विभाग पे सर ऑलरेडी आंतरिक लेखा एवं निदेशक के विभाग पे ही लिखा हुआ है सहायक लेखाकार की 1571 पोस्ट खाली है और सर ऑडिटर की 271 पोस्ट खाली है और लेखाकार का जो सृजित पोस्ट है 3000 पोस्ट लेखाकार की खाली है। लेकिन सर, लेखाकार का जो पोस्टिंग होती है वो सर प्रमोशन डिपार्टमेंटल होता है, लेकिन जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की और जो एडिटर की भर्ती होती है वो सीधा आयोग से होता है। तो सर, ये कम से कम 1841 वैकेंसी है, ये सिर्फ एक विभाग की बात कर रहा हूँ सर, आंतरिक लेखा एवं निदेशालय। इनके पास 4 विभाग और हैं, लगभग वैकेंसियाँ इनके पास कम से कम 2500 वैकेंसी पोस्ट अधियाचन आ चुका है ऑलरेडी। तो सर, हमको बस यही उम्मीद है कि सर विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए, क्योंकि सर हम सब ओवर एज हो जाएंगे और पेट 21 से ही जारी किया जाए, पहली उम्मीद ही है सर। अच्छा, ये हम बताएं कि आप लोग जहां तक पोस्टर से अपने बता रहे हैं कि 6 वर्ष बीत चुके हैं, अब तक विज्ञापन नहीं जारी किया गया है, तो अब तक अगर देखा जाए तो 6 वर्षों का संघर्ष आप लोग का क्या रहा है और अब क्या आशा अपेक्षाएं लगाए बैठे हैं? सर, एक बेरोजगार के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है आप लोग जानते हैं, पिछले 6 साल से मानसिक शोषण का हम लोग शिकार हो रहे हैं। BCOM प्लस ओ लेवल करके दर दर भटक रहे हैं, करीबन 8 बार हम लोग आयोग के चक्कर लगा चुके हैं, 10 दिन में आ रहा है, 15 दिन में आ रहा है, संशोधन करना है, ये करना है, वो करना है, अब पेट अंतिम चरण में चल रहा है, 1 महीने में इसकी वैलिडिटी खत्म हो रही है, आज फिर मिलने से मना कर रहे हैं सचिव जी कि अगले महीने आइएगा। बताइए हम लोग क्या करें, कहाँ जाएँ? कमीशन है जो 6 साल से खाली पदों का ब्यौरा रोज पेपर में आ रहा है कि इतने लेखाकार के पद खाली हैं, लेकिन विज्ञापन नहीं निकाला जा रहा है, क्यों नहीं निकाला जा रहा है हम विद्यार्थियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसको लेकर क्या आप जो मंत्री हैं, आप विभाग के साथ ही साथ तमाम जिम्मेदार बड़े अफसर हैं, उनसे आप अवगत किए हैं इन सब मामलों को, तो उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है पिछले दिनों? सर, अध्याचन सर आयोग को प्राप्त है, मंत्री जी से तब हम लोग मुलाकात करते जब अध्याचन हमारा यहाँ ना प्राप्त हुआ होता। विभाग द्वारा आंतरिक लेखा उत्तर प्रदेश निदेशालय द्वारा विभाग ज्ञापन यहाँ पे सॉरी अध्याचन यहाँ पे आ चुका है, जब अध्याचन आ जाता है तो उसके बाद इनका कार्य यहाँ पे शुरू हो जाता है कि इन्होंने वैकेंसी को निकालना चाहिए, पर ये इनके द्वारा बार बार आश्वासन दिया जाता है और भर्ती नहीं निकाली जाती हम लोग की, बस इसीलिए हम लोग मांग करने आए हैं। खुद भी ये वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है और हमेशा आए दिन पेपर में निकलता रहता है कि विभाग में बहुत कमी है, उसको वैकेंसी जल्द से जल्द अधीनस्थ सेवा चयन आयोग निकाले, उसके अन्यथा उसके बावजूद भी कोई भी विभाग कोई कुछ विभागों में 90% से भी ज्यादा सीटें खाली हैं, फिर भी विज्ञापन नहीं निकाला जा रहा है। कार्मिक विभाग की रोज नोटिस पे नोटिस आ रही है कि इतने पद खाली, लेकिन विज्ञापन नहीं निकाला जा रहा है सर। इसी भर्ती के लिए स्पेशल हम सब ओ लेवल किए हूँ,
सर ओ लेवल इसीलिए ही सर स्पेशल किया हूँ, छः साल से इंतजार कर रहे हैं ओ लेवल करके, बी कॉम प्लस ओ लेवल, तो कम से कम हमारी मांगे पूरी की जाए सर। विभागों को लेकर के बात किया जाए तो विभाग ऐसा बोल रहा है कि जहाँ हमको 15 कर्मचारियों की आवश्यकता है हम वहाँ एक कर्मचारी से काम चला रहे हैं। इतना सोचिए, विज्ञप्ति खाली होने के बावजूद में भी ये लोग नहीं करे, विज्ञप्ति यहाँ आ भी चुकी है पर ये लोग विज्ञप्ति जारी नहीं किए जा रहे हैं कि अधियाचन आ चुका है विज्ञप्ति जारी कर दें। और यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं चार बार पांच बार छः बार आ चुके हैं तो यहाँ पे अधियाचन दे दिया जाएगा, कोई मतलब नहीं। जैसे अधियाचन लेकर के कबाड़ खाने में डाल देते हैं, ऐसे पेपर में सजा करके रख देते हैं, कोई मतलब नहीं है। आज हम लोग आए हैं जा रहे हैं मिलने के लिए पर वो लोग मिलने से मना कर दे रहे कि नहीं हम लोग आपसे नहीं मिलेंगे, आप अगले महीने आइएगा। तो ये बताइए कहाँ तक हम लोग ऐसे कहाँ तक घूमते रहे, कितना दिन ऐसे परेशान रहेंगे। हमें ये बताएं कि आप दूर दराज क्षेत्र से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए हैं आप लोग हैं, तो आप लोग की क्या आशा अपेक्षाएं हैं और आप यहाँ जो जिम्मेदारान से मिलना चाहते हैं उनकी तरफ से अब तक क्या कहा गया? अभी हमको मुलाकात नहीं कराई गई है और सर हम लोग इतने दूर से आए, यही मैं चाहता था कि सचिव सर कम से कम एक दो लोग से ही मिल के हम उनके सामने अपनी बातों को रख दें। लोग मिलने का प्रयास किए? बहुत सर हमने मिलने का प्रयास किया पर हम लोग को मिलाने नहीं दिया गया है सर, और अब हम लोग निराशा हाथ लेके क्या कहा जा रहा है सर? आश्वासन फिर मिला है किसी के माध्यम से जो अंदर थे, एक सर आके बताए हैं कि आपका अधियाचन जो प्राप्त हुआ है वो 15 दिन में जारी कर दिया जाएगा। एक बार फिर सर हम लोग को आश्वासन मिला है सर, सचिव सर नए अभी नियुक्त हुए हैं, मुझे सर इनसे बहुत आशा है कि ये अच्छा कार्य करेंगे। पिछले सचिव के तरीके हम लोग को सिर्फ आश्वासन नहीं, इस बार हो सकता है हम लोग का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। दो मिनट के लिए हम लोग जी, तो आप देख सकते हैं कि ये UPSC UP SSC के अभ्यर्थी हैं जो इनका साफ तौर पर देखा जाए तो ये विज्ञापन जारी करने को लेकर आज पिकअप भवन का घेराव कर रहे हैं। साथ ही इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये यूपी पेट 2021 की जो सीमा होती है उसमें महज एक महीने बचे हैं, अगर इनकी नियुक्ति नहीं होती इनका जिंदगी कहीं ना कहीं उसमें रूर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री और जो तमाम जिम्मेदार हैं उनका रुख क्या होता है। कैमरामैन दीपक के साथ विभान सुप्राइम टीवी लखनऊ। लखनऊ के सिविल अस्पताल में पुलिस सुरक्षा के इंतजाम दुरुस्त नहीं दिख रहे हैं, जिसके चलते सिविल अस्पताल प्रशासन ने सवाल उठाए हैं। वहीं अस्पताल में हर रोज लाखों लोगों की भीड़ लगती है, साथ ही सिविल अस्पताल परिसर में पुलिस सुरक्षा का कोई इंतजाम भी नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं जिला अस्पताल की क्या है स्थिति। देखिए यहाँ पर जो एक सेवा प्रदाता एजेंसी है उसके तहत गार्ड्स रखे गए हैं, लेकिन यह है कि बहुत से अराजक तत्व यहाँ पे आए दिन जैसे साइकिल उठा ले गए किसी की, या किसी का कोई सामान ले गए, या कभी किसी मरीज के साथ चले गए, इस तरह की घटनाएं पूर्ण यहाँ पे मेरे संज्ञान में आई हैं। हम लोगों ने इस बाबत यहाँ पर जो निकटस्थ चौकी है उस पर भी सूचना दी है, यहाँ से हमारे यहाँ पुलिस विभाग को पत्र भी लिखे गए हैं कि यहाँ पर पहले सिक्योरिटी फोर्स के रूप में कुछ ना कुछ पुलिस का सहयोग रहता था जो आज की तारीख में बिल्कुल ना के बराबर है। गाजीपुर में विधान परिषद समिति के सभापति विद्यासागर सोनकर ने सपा बसपा पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि सपा बसपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि अपराधियों को संरक्षण देने में दोनों एक ही हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अपराधियों ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा एक प्रश्न ये है कि समाजवादी पार्टी जो कर रही है, आपको ध्यान में होगा हमारा एक नौजवान डिप्टी एसपी था शैलेंद्र कुमार सिंह, और उस समय और यहाँ डीआईजी रेंज के थे रंजन कुमार द्विवेदी जी, और एक कोई मामला हुआ था उसको वर्कआउट हो गया था, तो भैया मैं ये नहीं समझ पाता सपा बसपा दोनों एक ही हैं, चट्टे बट्टे हैं, ये उनको कहते हैं ये उनको कहते हैं। कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील में भरतौली गांव जनपद में लोगों को मुफ्त सरकारी राशन के लिए नदी तैर कर पार करनी पड़ रही है, जिसके चलते 1200 की आबादी को हर महीने जिंदगी और मौत से आंख मिचौली खेलनी पड़ती है। वहीं इस पर जनपद के आला अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं कोई यहाँ सुनता नहीं है, बाढ़ की वजह से मरे यहाँ जिए छोटे बच्चे छोड़ के जाते हैं यहाँ से, और
बच्चों को कोई देख रेख ना करे वहाँ जाए तो अंगूठा नहीं लगवाते, सारा दिन बैठे रहते हैं। 30 साल से राशन बना, हम 30 साल से जाते हैं। 30 वर्षों में लगातार आपका पूरा गांव जाता है, 1000 की आबादी पूरा नदी को जो है पार करके उस पार जाते, आप इतनी जान जोखिम में डाल रहे हो, कभी आपने इस बारे में अधिकारियों से बात नहीं? सब कुछ कहा, ब्लॉक में कहा, सब जगह कहा, CDO VDO से सबसे कहा, कोई कह देते हो जाएगा, कुछ होता ही नहीं है। प्रकरण अभी आपने मेरे संज्ञान में लाया है और मैंने DSO साहब से बात भी करी है। जो नियम है वो ये है कि 4000 जो राशन कार्ड धारक होते हैं उन पे एक दुकान होती है, परंतु यदि इस तरीके की कोई नेचुरल बाउंड्री वगैरह हो जाती है तो हम लोग एक अलग दुकान का भी प्रस्ताव ग्राम समाज के प्रस्ताव पर तहसील स्तरीय समिति द्वारा किया जा सकता है। तो ये जो प्रकरण भरतौली का सामने आया है इसका नियमानुसार परीक्षण करके आगे की कार्रवाई करी जाएगी। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ेंगे उपेंद्र जी, उनसे अधिक जानकारी लेंगे। उपेंद्र जी बताइए कि प्रशासन क्यों इस पर कार्यवाही नहीं कर रहा है? सरकार हर तरह का लाभ देती है, कई योजनाएं निकालती है लोगों को, लेकिन फिर इस तरह के परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? जी, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो ये परेशानी का सामना, ये कोई आज की बात नहीं है, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर भाजपा सरकार है उनका सारे दावे फेल नजर आते हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस पूरे वीडियो में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो है पूरी तरीके से जिला प्रशासन लापरवाही नजर आती है सामने। जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बलिया के BWD परिसर में अधिशासी अभियंता के कार्यालय के सामने मृतक के आश्रम परिवार में आमरण अनशन पर बैठ गए। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि परिवार भुखमरी के कगार पर है, साथ ही उन्होंने कहा है कि जब तक भुगतान नहीं होगा या आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। वहीं मीडिया से बातचीत में अधिशासी अभियंता ने कहा है कि मामले को जल्द से जल्द निपटारा करा दूंगा। और अप्रैल 2021 में मर गए थे, और तभी से आज तक हम विभाग में चक्कर काट रहे हैं और उनका नवीकरण का भुगतान किया गया, बाकी पैसा अभी तक नहीं मिला। संबंधित बाबू 20,000 पुलिस भी ले लिया और बोला कि पैसा मिल जाएगा, अभी तक पैसा नहीं मिला। धीरज बाबू हैं उनके यहाँ CPF पर, वो भी पैसा मांग रहे हैं लेकिन हम गरीबी की हालत में पैसा देने नकदीकरण हमने मतलब यहाँ से हो चुका है, अब हमारे यहाँ बचा है इनका GPF ग्रेचुटी और राशिकरण। इसके संबंध में चूंकि पूर्व के एक्सचेंज महोदय ने दो इनको लेटर दे दिया था सक्सेशन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, और ये लोग सक्सेशन प्रमाण पत्र देने से मना कर रहे हैं। अब चूंकि ये थोड़ा सा मामला हो जाता है, सक्सेशन प्रमाण पत्र का मतलब हो गया कोर्ट कचहरी का मामला हो जाता है, जब पूर्व के एक्सचेंज ने यदि इस चीज़ को जारी कर दिया है तो इस संबंध में मैं आज सुबह से ही इस फाइल को मैं स्टडी कर रहा हूँ और उम्मीद मैं करता हूँ कि शाम तक इस प्रकरण को मैं समाप्त। खबर कुशीनगर से है जहां इंटर के एक छात्र को प्रिंसिपल और शिक्षकों ने सड़क पर घसीट कर लात घूसों से पीटा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो वहीं मामले में प्रभारी निरीक्षक रणजीत सिंह भदौरिया ने कहा है कि छात्र की मां तहरीर पर शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना हाटा अंतर्गत महर्षि वाल्मीकि इंटर कॉलेज पिपरेचा कुटी हाटा में एक छात्र को उस शिक्षकों द्वारा पीटे जाने की घटना कारित हुई थी, जिसमें पीड़ित छात्र की मां द्वारा दी गई तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए थाना स्थानीय पुलिस द्वारा प्रकरण में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। नोएडा में 28 अगस्त को दोनों टावरों को गिराए जा रहे हैं, जिसके चलते टावर पर विस्फोटक लगा दिए गए। आपको बता दें कि CBRI की रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला होगा कि टावर को डिमोलिश करेंगे या 1 हफ्ते का कुशन पीरियड चल सकता है। साथ ही एयर पॉल्यूशन के लिए मीटर लगा दिया गया है, क्योंकि पॉल्यूशन कितना होगा इसका साइंटिफिक डेटा जुटा पाना मुश्किल है।
सेक्टर 93A में सुपरटेक एमरल्ड टावर्स में दो ट्विन टावर्स का डिमोलिशन का ऑर्डर सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। उस क्रम में 28 अगस्त यानी संडे जो है उसको 2:30 बजे सुपरटेक की दोनों ट्विन टावर्स का डिमोलिशन किया जाएगा। आज फाइनल पॉट विजिट और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग भी की गई है, यहाँ पे सभी तैयारियों को देखा गया है। मुख्यतः ये बताना चाहेंगे कि तैयारियां पूरी हो गई। दोनों टावर्स में जो एक्सप्लोजिव्स लोड किए जाने थे, एक्सप्लोजिव्स भी लोड हो गए हैं। 28 तारीख को 2:30 बजे ब्लास्ट किया जाएगा। लगभग 10 से 12 सेकंड्स में दोनों टावर डिमोलिश हो जाएंगी। गाजियाबाद के मोदी नगर नेशनल हाईवे 58 पर बस स्टैंड पुलिस चौकी के पंचरस नामक रेस्टोरेंट में घुसकर एक महिला औरत सात युवकों ने जमकर तोड़फोड़ की। साथ ही रेस्टोरेंट चालक पर ताबड़तोड़ लात घूंसे बरसाए। वहीं पुलिस इस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। आज सुबह सुबह 10 बजे के करीब में रोजाना की तरह मैंने दुकान को मतलब होटल खोला था अपना। जैसे होटल खोल के अंदर घुसा मैं, अंदर घुसते के साथ में ही लाइटें जलानी होती है। पहले बेसमेंट है तो अंधेरा सा रहता है, लाइटें जलाई मैंने। लाइटें जलाने के साथ में कुछ 8-10 लोग धड़ धड़ा के मेरे रेस्टोरेंट में घुसा है। हरदोई हरपालपुर क्षेत्र के चतरखा बरनई गांव में एक परिवार ने दूसरे पक्ष पर दबंगई और पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। वहीं ग्राम प्रधान का कहना है इससे कुछ लोग राजनीतिक टूल दे रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों पक्षों के बीच काफी समय से लड़ाई चली आ रही है, जहां मारपीट और पथराव में कई लोग घायल हो गए थे। 18 तारीख सुबह का मैटर है। बड़के और प्रमोद शुक्ला इनकी पुरानी रंजिश चली आ रही है। बड़के कहीं पूजा करने के लिए गांव के पश्चिम जा रहा था। 6:30 बजे करीब वो उधर से पूजा करके लौट रहा था। वहां कुछ लोग बैठे थे, प्रमोद शुक्ला यही तीनों भाई, कुछ और भी इनके साथी रहे होंगे। तो इन्होंने कुछ उससे कहा, वहां पे इनकी कुछ कहा सुनी होने के बाद में ये दोनों लोग अपने दौड़ दौड़ के घर पे आ गए। घर पे आने के बाद प्रमोद शुक्ला का पूरा परिवार अपने छत पे चढ़ के ईंटा पत्थर चलाने लगा। उधर से जवाब में बोगी चलाने लगे। जब आवाज़ हुई गांव में, शोरगुल हुआ तो लोग दौड़ के पहुँचे। दौड़ के लोग पहुँचे तो प्रमोद शुक्ला उनके ऊपर भी ईंटा पत्थर चलाने लगे। तब हमने हटके वहां से इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया। तुरंत फोर्स आया, PRB आई, 2-3 गाड़ी, तब ये मामला शांत हुआ। 18 तारीख सुबह का मैटर। खबर प्रतापगढ़ से है। जनपद के दिलीपुर पुलिस व स्वात टीम को मिली बड़ी सफलता। पुलिस स्वात टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी करने वाले 3 अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक प्रताप ने गढ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर प्रेस वार्ता के दौरान मामले का खुलासा किया। गांजा बरामद हुआ है। एक होंडा से भी गाड़ी 3 से बरामद हुई है। ये बेसिकली 4 लोगों का एक गैंग है जो कि प्रतापगढ़, प्रयागराज, इटावा और जौनपुर के रहने वाले हैं। इन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे काफी डिटेल इस संबंध में प्राप्त हुई है। खबर औरैया से है, जहां जसपटपुर कोतवाली क्षेत्र के घर के अंदर मिले 3 शव की सूचना पर कानपुर के IG रेंज जनपद पहुंचे और घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। तो वहीं IG के निरीक्षण के दौरान ही कानपुर के ADG जोन भी घटनास्थल पर पहुंच गए और फॉरेंसिक टीम भी अधिकारियों के दिशा निर्देशन में साक्ष्यों को जुटाने में जुट गई। तो उधर मामले को लेकर ADG जोन ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। वरिष्ठ व्यापारी नेता है वह प्रकाश चंद महाविद्यालय कठोर के प्रबंधक श्री संदीप गुप्ता, संदीप पोरवाल उम्र 52 साल, श्रीमती मीरा पोरवाल उम्र 48 साल, और उनके पुत्र श्री शिवम पोरवाल उम्र 26 साल, वो तीनों मृत अवस्था में पाए गए। इस सूचना पे औरैया पुलिस पहुंची है और साथ में IG रेंज और मैं स्वयं पहुंचा हूं। फॉरेंसिक टीम कानपुर से आई है। लोकल वो सभी लोग तहकीकात कर रहे हैं, सभी पहलुओं पर तहकीकात कर रहे हैं।
सुल्तानपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका गांधी पेड़ों की कटान को लेकर काफी सख्त हैं। दिशा की बैठकों में दो बार उन्होंने अवैध आरा मशीनों पर सिकंजा कसने के निर्देश भी दिए। उनके निर्देश के बाद रसम अदायगी हुई, फिर स्थिति जस की तस रही। एक साथ सात आरा मशीनों पर हुई कार्रवाई इसकी वानगी है। इसने साफ कर दिया है कि जिले में पुलिस और वन विभाग के संरक्षण में अवैध आरा मशीनों आज भी संचालित हैं। दरअसल कुछ शिकायत आना स्टार्ट हुई थी कि कहीं कहीं पर छिटपुट चोरी से लोग अवैध रूप से आरा मशीन स्थापित कर रहे हैं, तो इसकी इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए एक पूरा रेंज स्तर पे टीम गठित करके हम लोगों के द्वारा छापा मारने की कार्रवाई कल की गई। उसमें सात मशीनों पर छापा मारा गया और जहाँ पे मशीनें स्थापित पाई गई, संचालित तो नहीं थी लेकिन कहीं स्थापित पाई गई, तो उनको तुरंत ध्वस्त किया गया वहाँ से। खबर कानपुर से है, जहां स्थित घाट बाबा आंदेश्वर के मंदिर में सुंदरीकरण का शिलान्यास हुआ। सांसद सत्यदेव पचौरी का अध्यक्षता में शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मेयर प्रमिला पांडे सहित विधायक सुरेंद्र मैथानी व बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। कृतज्ञता की बात है के देश की आज़ादी के 75 साल बाद अमृत महोत्सव काल में नगर निगम के द्वारा स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत आनंदेश्वर कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। ये निर्माण उसी प्रकार है जैसे बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉरिडोर का निर्माण कराया है। लखनऊ में आगामी त्यौहार के चलते सुरक्षा की दृष्टि से सभी प्रमुख मुद्दों पर शासन और प्रशासन ने पैनी नजर बना रखी है। साथ ही लखनऊ के सराफा एसोसिएशन के तत्वाधीन में आज पुलिस और सराफा कारोबारियों की संयुक्त बैठक भी रखी गई। इस दौरान सराफा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ACP एडिशनल HSO सहित तमाम व्यापारीगण मौजूद रहे। ACP साहब के माध्यम से रिक्वेस्ट थी कुछ अधिकारियों तक जो हम लोग की बात पहुंचाई जाए कि जो बाज़ारों में समुचित गश्त हो वो प्रॉपर हो। दूसरा ये कि जो भी सर्राफा व्यवसायी हैं उनके साथ जो अभी घटना घटी है उनका खुलासा नहीं हुआ, जैसे गुडम्बा वाली घटना जो है उसमें बैग छीन के चले गए। इस तरह की अगर घटनाओं में अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं तो किसी बड़ी घटना को अंजाम कर देते हैं और उनका मनोबल बढ़ता है। इस मुद्दे पर भी सर से बात हुई है कि उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए कि गुडम्बा वाली घटना का खुलासा और भी जो सर्राफा व्यवसायियों से जो अनसुलझी घटनाएं हैं उनका सीख से सीख खुलासा किया जाए। देखिए, व्यापारी भाइयों के साथ में मीटिंग हुई है और उन्होंने अपनी समस्याओं को उठाया है। उन्होंने खास तौर से अपनी सुरक्षा के संबंध में कि पुलिस गश्त के संबंध में उन्होंने बात उठाई है और CCTV कैमरा वगैरह के संबंध में उठाई है बातें, तो पुलिस गश्त को प्रॉपर करने के लिए सारे लिखित आदेश भी हो चुके हैं और गश्त चल भी रही है। और आने वाले जो त्यौहार का सीज़न आने वाला है जिसमें कि दुकानों पे और भीड़ें बढ़ेंगी, खासतौर व्यापारा सराफा व्यापारियों के दुकानों को समझ, तो उसमें हम लोगों ने प्रॉपर चाहे पिंक स्कूटी हो या फिर हमारी PRV वगैरह हो मोटरसाइकिल वाली, सबको लगाया गया है, वो प्रॉपर गश्त कर रही हैं, कहीं किस बार कोई घटना नहीं होगी, पूरा प्रयास रहेगा। बुलंदशहर में आपूर्ति विभाग के बाबू की अवैध वसूली की ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में सप्लाई विभाग का बाबू एक राशन डीलर से कह रहा है कि अब 40,000 बजाय 70 रुपए के हिसाब से कलेक्शन होगा। वायरल ऑडियो में योगेंद्र और राम अवतार की बाबू की आवाज बताई जा रही है। मार्च का लेकर देने वाली मैं आपको व्यक्तिगत फोन करके ये कह रही हूँ, हर आदमी के पास जाइए, उसको बोलिए फरवरी और मार्च आप समझ लो क्या है व्यवस्था। हमें ऑफिस को है वितरण से मतलब, हमें गोदाम की आपकी व्यवस्थाओं से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, गोदाम वाले कहते हैं कि फरवरी में उठाए कि मार्च में उठाए, ये सब बेकार की बात है। सीधा से अच्छा स्वरूप रखो, जो फरवरी में तुमने बांटा उसका कहीं नहीं गया। तुम्हारे लिए नहीं सबके लिए कह रहा हूँ, जो फरवरी में बांटा वितरण किया उसका कहीं नहीं गया, जो मार्च में बांटा उसका वितरण हुआ वो कहीं नहीं गया, तो अब वो जाना है। अच्छा अच्छा, फरवरी और मार्च में जाएगा पहले 70 के हिसाब से जैसे जाता आ रहा था। अच्छा जी,
और अप्रैल से जाएगा वो 40 के हिसाब से। ये मार्च अप्रैल, ये अप्रैल मई जून का ही 40 का आया था। हाँ अप्रैल से 40 का, फरवरी मार्च का। खबर बदायूं से है जहां महिला अध्यापक के फेवर में उतरे भीम आर्मी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। बता दें कि महिला शिक्षक द्वारा शिक्षक नेता संजीव शर्मा पर छेड़छाड़ और एससी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाना सिविल लाइन पर भीम आर्मी कार्यकर्ता पहुंचे थे, जिन पर पुलिस बल ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान एसपी सीटी सीओ सीटी कई थानों के पुलिस मौके पर मौजूद रहे। देखिए थाना सिविल लाइन में दिनांक 3 अगस्त को एक मुकदमा दर्ज हुआ था, एसएसटी का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें पीड़िता ने उस स्कूल के प्रधानाध्यापक के खिलाफ आरोप लगाया था कि इन्होंने प्रधानाध्यापक महोदय इनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। इसी संदर्भ में एसएसटी एक्ट के एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी विवेचना सीओसीटी महोदय द्वारा की जा रही है। विवेचना अभी प्रचलित है। इसी क्रम में भीम आर्मी बरेली मंडल के एक मिस्टर विकास हैं, विकास बाबू, उन्होंने पुलिस पे कहा कि मैं जनपद बदायूं में आऊँगा और आके जो है पुलिस ऑफिस में ताला लगा दूंगा और अराजकता फैला दूंगा। खबर अयोध्या से है जहां रामनगरी अयोध्या में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत हुई। मामले की सूचना मिलने पर सीओ ने मासूम बच्ची को तुरंत मेडिकल के लिए भेजा गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और बच्ची के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट एससी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। चली गई पी जिला। अच्छा घर पे बाप खेत में था, मातारी और एक लड़का था, वो टट्टी करने चला गया था और जो लड़का सामान दिया था वो लड़का था यहाँ पर जो पकड़ा गया है वही लड़का था। अब क्या हुआ क्या नहीं बाद में हमको पता लगी, लड़की रोती आई में वो सब फूला था पूछे देखा गा तो वही लागे फिर दौड़ लगाए तो हम घरे गवा गा तो वही रहा बना के भाग करे। बीती रात कोतवाली बीकापुर के कोछा बाजार गाँव में एक 5 वर्ष की बालिका के साथ रेप की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त हुई बीकापुर पुलिस द्वारा, पीड़िता के पिता से तहरीर ली गई, तहरीर के आधार पर अभियुक्त पंजीकृत किया गया। पीड़िता का तत्काल मेडिकल करने के लिए रवाना कर दिया गया, मिल्जिंग को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पे लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।